दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Asus ZenFone 8 mini के बारे में। 12 मई को दोस्तों ये सीरीज लॉन्च हो रही है चाइना में। इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने वाले हैं, Asus ZenFone 8 mini, Asus ZenFone 8 Flip एंड Asus ZenFone 8 Pro। ये 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाने वाले हैं। इसमें से दोस्तों Asus ZenFone 8 mini एंड 8 Pro ये 2 स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च किए जाने वाले हैं। BIS के ऊपर ये दोनों भी स्मार्टफोन लिस्ट किए जा चुके हैं और Asus ZenFone 8 mini के कई सारे लीक्स आ चुके हैं और दोस्तों इसके रेंडर्स भी बाहर आ गए, फर्स्ट लुक रिवील हो गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बात करेंगे कि ये फोन इंडिया में कब तक लॉन्च किया जाएगा और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज अगर आप इन सभी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों रेंडर्स आपके सामने हैं, डिजाइन और लुक्स वाइज कुछ इस प्रकार का ये फोन होने वाला है। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैक पैनल इसका ग्लास का मिलेगा, ऊपर की तरफ पर लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें कि डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और दोस्तों फ्रंट की तरफ इसमें फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में पंचोल का कटआउट देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों भी तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। अब कौन सा वर्जन मिलेगा इसकी जानकारी निकल के नहीं है बट प्रोटेक्शन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें 5.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन फुल HD प्लस का होगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा दोस्तों, इसमें 90 या फिर 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, साथ में HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होगा, बस थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो डुअल कैमरा के सेटअप के साथ ये फोन आएगा, 64+12 MP का डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेंसर सोनी के सेंसर होंगे, 682 का सेंसर होगा, 64 MP का जो सेंसर होगा और सेकंड सेंसर 12 MP का मिलेगा जो कि माइक्रो सेंसर होगा, ये भी सोनी का सेंसर होगा, सोनी का IMX663 का सेंसर होगा और फ्रंट की तरफ दोस्तों इसमें 16 या फिर 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में तो इधर थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। लीक्स के अकॉर्डिंग 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, तो थोड़ी छोटी बैटरी है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलनी चाहिए थी। साथ में दोस्तों इसमें 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज, 3.5 mm जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस लॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। IP68 का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, मतलब फोन डस्ट और वाटरप्रूफ भी होगा। दोस्तों इसे 6GB 128GB 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB 16GB 256GB के 5 वेरिएंट में लॉन्च किए जाने वाले हैं। आउट ऑफ बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आने वाला है। दोस्तों लास्ट में अगर इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि क्वालकॉम का फ्लैगशिप चिपसेट है। 5nm फैब्रिकेशन का ऑक्टा कोर चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए इसमें एड्रेनो 660 GPU का इसमें इस्तेमाल किया गया, सभी तरह के गेमिंग वेमिंग हैंडल कर लेता है सेटिंग पे। परफॉर्मेंस वाइज इसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके स्पेसिफिकेशंस की बात, बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो लीक्स के अकॉर्डिंग 25,000 to 35,000 के बीच इसकी प्राइस होने वाली है, सभी के सभी वेरिएंट की चाइना की प्राइस। और इंडियन प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वेरिएंट को 35,000 के प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जाएगा और अंडर 45,000 के प्राइस सेगमेंट पर सभी के सभी वेरिएंट को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो अभी Asus ZenFone 8 mini एंड Asus ZenFone 8 Pro ये दोनों भी फोन BIS के ऊपर लिस्ट किए जा चुके हैं, तो मतलब अगले 3-4 हफ्ते में ये फोन इंडिया में भी लॉन्च किए जाएंगे। पहले चाइना में लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद इंडिया में भी ये लॉन्च किए जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।